हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया हो गए। मैं ही बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। काफी टाइम से डिमांड आ रही थी मेरे पास कि भैया सेंटर लॉकिंग की वीडियो लेके आओ, सेंटर लॉकिंग की लेके आओ। और आप जो भैया वीडियो लेके आओगे ना, उसके अंदर सेंटर लॉकिंग वाली लगने के बाद रिमोट से स्टार्ट भी होनी चाहिए बाइक। तो भाई जी हाँ, आपकी डिमांड जो है फुलफिल कर दूंगा इस वीडियो में। रिमोट से स्टार्ट कर दिखाऊंगा बाइक को, वो भी एक्सटेक्ट डिजिटल मीटर वाली को। क्योंकि जो हमारी जो नॉर्मल जो मीटर वाली है, टैकोमीटर वाली जो मेरे पास है अपनी BS6 खुशी, तो अभी क्या है उसके अंदर तो रिमोट से बाइक स्टार्ट हो रही थी, बट जो डिजिटल वाली एक्सटेक्ट वाली बाइक आ रही है उसमें स्टार्ट नहीं हो पा रही थी सेंटर लॉकिंग से। बट अभी क्या है उसका सोल्यूशन हमने निकाल लिया। मैंने अपनी एक दो वीडियो पहले बताया भी था आपको, बट आज जो आपको सेंटर लॉकिंग दिखाऊंगा भी कैसे लग रही है, और उसके बाद रिमोट से स्टार्ट करके दिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में कितने की रहने वाली सेंटर लॉकिंग, क्या खर्चा आने वाला, क्या क्या नहीं। आपकी वायरिंग का बता दूं भाई, वायरिंग आपकी कोई भी कट नहीं होगी, ठीक है। तो फटाफट से पहले आपको दिखाता हूं मैं सेंटर लॉकिंग कौन सी यूज करने वाले हम। सेंटर लॉकिंग रहने वाली ये वाली देख सकते हैं आप, HJG कंपनी रहने वाली है। मोटरसाइकिल एंटी थीफ अलार्म रहने वाला है, एंटी थीफ, ठीक है जी। तो इसको कुछ खोल लेते हैं इस तरीके से। देखो इसके अंदर मिलता है इसका डिवाइस, तो ये हो गया HJG की ब्रांडिंग का डिवाइस आता है। पूरी हार्नेस देख सकते हैं आप, कपलर टू कपलर रहने वाला है। दो चाबी मिल जाती है, एक चाबी के अंदर इंडिकेटेड रिमोट मिलता है और एक प्रॉपर जो है आपको रिमोट मिल जाता है देखने को, कुछ ऐसा देख सकते हैं। रिमोट काफी प्रीमियम है, क्रोम की फिनिश देखने को मिलेगी पूरी पूरी यहाँ पे। एक ये मिल जाता है, साथ में टेप मिल जाती है इसको चिपकाने के लिए, मतलब। और इसके अंदर मिलता है एक बजर, ये देख सकते हैं आप, बजर रहने वाला है ऐसा। और इसके अंदर मिलती है भाई साहब, ये अलग से आती है यूनो स्पार्क मिंडा की, देख सकते हैं स्पार्क मिंडा यहाँ पे लिखा हुआ है। मिनी रिले बेसिकली ये लगती है आपकी बाइक के अंदर, उसके बाद जाकर जो है आपकी बाइक जो है इस रिमोट से, ये सेल्फ जो यहाँ पे देख सकते हैं आइकन बना हुआ है, तो इससे दबाने पे आपकी बाइक स्टार्ट हो जाती है। तो पहले क्या है कि ये रिले नहीं आती थी, डायरेक्ट ऐसे लगाते थे तो आपकी बाइक स्टार्ट होती थी, कई बार नहीं होती थी। तो अभी सीन ये है कि जो एक्सटेक वाली बाइक है जिसमें ये डिजिटल मीटर है यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो ये वाली जो मीटर वाली बाइक है, ये वाली बाइक जो है रिमोट से स्टार्ट होंगी, वो उसके वजह से अपनी जो मिनी वाली जो रिले है इसके वजह से, ठीक है। तो इसका अलग रहने वाला है क्योंकि ये HJG प्रोवाइड नहीं करती। अगर HJG प्रोवाइड करती तो यहाँ पे मिंडा की जगह HJG लिखा होता, तो ये अलग से है, सिर्फ ये डब्बे में डाली है। क्या भाई दो लगेंगे भाई, दो रिले लगने वाली है, क्या बात है भाई। तो दो रिले भाई कहाँ का लगाने वाले हो, जरा बताना जरा कहाँ लगाओगे दो रिले भाई। ये तो हॉर्न पे हॉर्न वाली रिले यूज होगी। अच्छा, एक हॉर्न वाली रिले यूज होने वाली है, तो दोनों रिले कहाँ लगने वाली है भाई। ये तो है तुम्हारा जो टंकी के अंदर फ्यूल होता है ना, फ्यूल पंप हो जाओ, वो इसे स्टार्ट करेगा। अच्छा ठीक है, पहले स्टार्ट नहीं होता था। अच्छा, तो वो स्टार्ट नहीं होगा, वो चालू नहीं होगा, आएगा नहीं और गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, तभी स्टार्ट नहीं होती थी। ठीक है, स्टार्ट करेगा ये, ठीक है। और ये जो हॉर्न की होती है, एक तरह से ये हॉर्न की होती है, ये इसमें एक तो ब्लू वाला तार जाएगा इसमें, ठीक है ठीक है। इसका जो एक तार है, एक तार इसमें जाएगा। चलो ठीक है। तो अभी क्या है कि देखो, जैसे ये बता रहे हैं ऐसा तो समझ में मुझे भी नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से तुम्हें भी समझ में नहीं आ रहा होगा एक तार कौन सा ब्लू कौन सा कैसा। फिलहाल बाइक खड़ी है यहाँ पे, इसको करवाते हैं डिसमेंटल। डिसमेंटल कराने के बाद कौन सा तार कैसे कैसे अप्लाई हो रहा है वो मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा। वैसे तो कोशिश करोगे आप यहीं पर आके लगवा लो, कोई वायर तो कटनी होगी ना पुन्ना भाई, कोई वायरिंग में दिक्कत। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तार नहीं कटेगा। तो फिलहाल मैं तो ये बोलूंगा कि आप जो है ना कोशिश करोगे यहाँ पे आके लगवा लो। इनकेस अगर आप बाहर रहते हो, ऑनलाइन मंगा रहे हो, तो मैं आपको वीडियो में दिखाई रहा हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है कि यार कुछ चीज मिसिंग हो रही है, तो नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है, स्क्रीन पे भी पॉपअप हो रहा है, कॉल करो और पूछ लो भाई कौन सा तार कैसे जाने वाला है, तो पता चल जाएगा। वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है ना बताने में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। बस समझने वाला बंदा होना चाहिए। हाँ, बस समझने वाला होना चाहिए, समझ गए होगे आप। फिलहाल अभी जो उन्होंने नीला पीला बताया वो मेरी समझ से बाहर हो गया, ठीक है। कितने लोगों की समझ से बाहर हुई वो चीज बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। फिलहाल ये खड़ी है बाइक अपनी, तो अभी इसको करते हैं डिसमेंटल। उससे पहले भाई करने वाले लंच, तो लंच करो भाई। कढ़ी पकौड़ा मंगाया उन्होंने, कढ़ी पकौड़ा चट पकौड़े खा पी के ये लोग जो हैं, मतलब फिर करेंगे काम। तो अभी जो है फिलहाल बाइक को डिसमेंटल होने दो, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूँ क्या होने वाला है, ठीक है। स्टेट जूड बाइक जो है डिसमेंटल हो चुकी है, पूरे कनेक्शन खोल दिए यहाँ पे और पूरा वायर निकाल दिया। कनेक्शन देखो यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत सारा तार होगा, गुंजल देने को मिलेगा। और यहाँ से इधर चलेंगे तार जो है ना, अंदर ही अंदर देखो बाहर आ चुके हैं। एक कपलर ये रहा, एक कपलर ये आपस में जोड़ दिया, ये इसका वो ट्यूटर आ गया, इसको भी यहीं कहीं प्लेस कर देंगे। तो भाई थोड़ा बताओ कनेक्शन कौन से कनेक्शन कहाँ करें, जल्दी आओ जल्दी तेजी में। ये दोनों तार तो भाई इंडिकेटर में हैं, ऑरेंज में और एक आसमानी वाले में, मतलब लेफ्ट राइट के जो इंडिकेटर के तार है उसमें ये दोनों चले गए, क्योंकि जब ये इंडिकेटर लगेगा टी 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 वैसे करेगा। चलो ठीक है, और उसके बाद ये दो तार तो उसके हो गए, बाकी ये दो तार हैं एक माइनस में एक प्लस में, ठीक है, जो इसको पूरी करंट देगा। बाकी ये दो तार फालतू हैं, ये दो तार फालतू से काट दिए, मतलब जोड़ दिए, इनका जो मेन जो है वो यहाँ डाल दिया तुमने नीचे। हाँ, और ये इसका है। अच्छा, ये इसका इसको लगा दो। वैसे तो दोस्तों मैं आपको ये बोलूंगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ चुपचाप यहाँ बाइक लेके आओ
और यहाँ से काम करा के जाओ, सिंपल सोवर है ये, यहाँ आ जाएगा। लो जी ये आ गया यहाँ पे। तो वायरिंग देखने में तुम्हें बहुत ज़्यादा लगेगी, लेकिन वायरिंग का ऐसा कोई रोल है नहीं इतना तगड़ा वाला। ठीक है जी, इसके नीचे निकाल दे ये। अभी रिले लगाएंगे, अब लगाऊंगा। अच्छा रिले अब लगाओगे, चलो ठीक है दोस्तों। तो ये रिले भी लगाएंगे अभी, क्या है जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये खाना वाना खाएंगे, जरा कड़ी पकौड़ा वहाँ पे लग गया मामला है सबके साथ। तो ये पहले खा वाले, उसके बाद करेंगे। मैं जरा दो मिनट बाहर चला गया था, उतनी देर में इन्होंने यहाँ काम बैठा दिया, वायरिंग अंडरग्राउंड डाल दिए, कनेक्शन अभी पूरे करे नहीं है। आगे से कौन से कनेक्शन किस में जाने वाले वो भी दिखा दूंगा, बता दूंगा। आगे से कोई कनेक्शन है क्या? बाकी ये दो तार है ना, इसी के तार हैं, एक ब्लू है, हाँ, एक ऑरेंज है। उसको तुमने लंबा करके यहाँ पे ले लिया? ये सामने आ गए। अच्छा ये आ गया, एक ये आ गया, और अच्छा ये दो आ गए। तो ये किसका तार है भाई? ये एक्स्ट्रा है, लिया है लगाने के लिए। अच्छा एक्स्ट्रा मतलब इसको और बढ़ाने के लिए, बढ़ाना चाहो तो ठीक है। तो अभी सीन ये है कि इस बाइक के अंदर सेंटर लॉकिंग जो है वो लग चुकी है विदाउट एनी वायर कट। ठीक है जी, सारे जो है ना कपलर टू कपलर काम हुए। मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो वायरिंग आती है ना, वो ये इस कपलर कनेक्ट होती है, इसमें कनेक्ट होती है। इसके दो तार जो येलो ये है, वो दो तार आएंगे यहाँ पर, जो पीछे वाले इंडिकेटर को कनेक्ट करते हैं। जैसे हम जब सेंटर लॉकिंग ऑन ऑफ करते हैं तो ये लाइट जलती है ना, वो सब चीज़ों को लेकर। ठीक है, बाकी यहाँ से दो तार जाते हैं, एक लाल और एक ब्लैक, वो जाता है मतलब प्लस और माइनस में। ठीक है जी, और ये फालतू कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी वायरिंग का मुझे थोड़ा उतना बताओगे? बताओ कोई कैसे होने वाला है? ब्लू वाला तार भाई पहले वाले में जाएगा। ठीक है, और ये दूसरा जो तार आ रहा है सेल्फ के तार में जा रहा है पीला, ये है सेल्फ का कपलर। अच्छा सेल्फ का कपलर ये पीला वाला देख रहा है, लाल और पीला, लाल और पीला, ये इसमें से आके इसमें आ जाएगा, इसमें आएगा। और बाकी बचे दो, ये दोनों जाएंगे तुम्हारे अर्थ पे। अच्छा अर्थ पे चले जाएंगे, ठीक है। ये तो होगा तुम्हारा स्टार्टिंग का। ठीक है, अब बाकी तुम्हारा गाड़ी बंद करने का पंप जो चलता है ना, मोटर जो होती है वो, ये ऑरेंज वाला तार आपका ही आ गया। ठीक है, पहली वाली में। ठीक है, ठीक है, बाकी ये दूसरा तार है तुम्हारा, ये आएगा इस वाले के तार में, चाबी लॉक पे। चाबी लॉक पे, ठीक है। ये काले काले कलर का रेड रेड और ब्लैक तार जो है, ठीक है, इसमें आएगा। हाँ, और एक तार इसमें आएगा पूरा रेड में। चलो ठीक है, फिर भी मैं बोलूंगा, किसी को नहीं समझ में आ रहा तो भाई क्या बोलोगे तुम? भाई फोन पे बता देंगे, समझने वाला तो समझ जाएगा, नहीं समझ आना वो जाता है। तो यही आ जाए, ज्यादा बेटर तो यही बुलाओगे ना? ठीक है, तो भाई मेरे हिसाब से मैं आपको बोलूंगा, समझ में तो मुझे भी आ रहा है, बट सही बताऊं तो इतना एकदम से मैं भी नहीं कर पाऊंगा, कंफ्यूज हो जाऊंगा मैं। ठीक है, नई गाड़ी होगी तो मैं खोल के बैठ जाऊँ तो मेरे दिमाग की हट जाएगी मैंने क्या कर लिया। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपको रिमोट से स्टार्ट करनी है ना और आपको सेंटर लॉकिंग लगवानी है तो भाई यहीं आके लगवाओ, क्योंकि जिसका काम उसको साजे वाली बात है। ठीक है ना, आपका काम है सिर्फ, आपका काम है सिर्फ दुकान पे बाइक लेके आनी है अपनी एक्सटेक, और लाकर जो है ना इन्हीं के पास छोड़ देनी है। भाई तुम जो है ये जो सेंटर लॉकिंग रखी है, ये सेंटर लॉकिंग हमारी बाइक में लगा दो, ताकि कोई छुए तो चोरी वोरी ना हो। अभी क्या है कि मैंने इसको लॉक नहीं करा, लॉक कर देता हूँ। तो पहले गाड़ी मैंने कर दी है लॉक, ये हो गई लॉक मेरी गाड़ी। ठीक है जी, अभी क्या है, जैसे उस दिन मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने हाथ मार दिखाया था यहाँ पर, तो भाई बंदा बोलता कि चोर आएगा तो वो हाथ थोड़ी मारेगा सीट पे, वो तो सैंडल छेड़ेगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ अपने भाइयों को कि हाथ मैं इसलिए मार दिखाता हूँ क्योंकि सेंसर जो है ना यहाँ पे लगाए थे, वो बजने लगा तब देखो प्रिंट। अभी क्या है कि सेंसर यहाँ मैंने टच किया, बजने लगा। अब जैसे ही पिंटू या कोई भी लड़का आता है चोरी करने रहा है, गाड़ी को यूँ हिलाएगा, ये देखो बज गया, ये हो गया सायरन हमारा बंद। तो सायरन यहाँ बंद हो जाता है। अब बात करते हैं, जैसे हैंडल लॉक है, ये चाबी आप घर ले गए निकाल के, पकड़ी पिंटू, ये चाबी आप घर ले गए, हैंडल लॉक है हमारा, आपने करी गाड़ी यहाँ से लॉक, ये लॉक हो गई। अब कोई एक्टिविटी गाड़ी का होती है, कुछ भी होता है, डजेंट मैटर, वो सीट हाथ मारे, देखो इसने मारा, चालू हो गई, ऐसे कर देते हैं यहाँ से बंद, ये बंद हो गई। अभी सीन ये है कि जब कभी कोई दोबारा छेड़ता है, इसको हैंडल हिलाता है या कुछ भी करता है, देखो ऑन हो जाएगा। ठीक है, इसको ऑन कर देते हैं, ये सेंटर लॉक जो है अनलॉक हो चुका है। अभी सीन ये है कि गाड़ी नीचे खड़ी है, कोई आपकी बाइक पे बैठा हुआ है, ऊपर से मजे लेने हैं आपको, तो ये सेल्फ का बटन दिख रहा है कोई वाला, इसे दो बार प्रेस करना है, एक दो, ये आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। ये आपकी बाइक स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ से हैंडल लॉक है, देख सकते हैं हैंडल लॉक है यहाँ पे, आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो ये प्लस पॉइंट है, बंद करना हो तो अगेन ये अनलॉक कर देंगे इसको, ये बंद हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ फंक्शन रहने वाले हैं, अभी चलेगा नहीं भाई, हैंडल बंद है, ये भी अलग अल्टर हो रहा है मामला। तो फिलहाल ये है कि गाड़ी कहीं पे भी खड़ी हो आपकी और ये स्टार्ट हो जाएगी ऐसा करके, ये हो स्टार्ट। ठीक है जी, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये रिले वाली जो सेंटर लॉकिंग वाली वीडियो समझ में आ गई होगी, जो मैंने आपको दिखाया समझ में आ गया होगा। मैं तो फिर भी बोलूंगा आपसे, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया ना, लेकिन आपको ये लगवाना है आइटम अपनी बाइक में, तो भाई बाइक यहाँ लेके आओ, घर बैठे मंगवा लोगे बात अलग है, बट आप ना उलझ जाओगे वायरिंग के अंदर, कौन सी वायरिंग कहाँ पे जाने वाली है, क्योंकि एक होता है यार आपने सामने काम हो तो बात है, लेकिन आप वीडियो भी देख रहे हो नहीं समझ में आ रही बात, तो वो चीज़ है। बाकी मैं आपको यही बोलूँगा कि लगवाओ, बहुत बढ़िया आइटम है, लेकिन खुद ना लगाओ भाई, यहाँ लेके आ जाओ और लगवा लो। अगर हाँ आप दिल्ली से बाहर रहते हो और आपको लगता है कि यार मैं वहाँ तक नहीं आ पाऊँगा, तो एक काम करो,
इलेक्ट्रिशियन के पास जाना, ये वाला ऑनलाइन डिवाइस हमारे से मंगवा लो और इलेक्ट्रिशियन के पास जाना, वो तुम्हारे को फिट कर देगा। इवन अगर वो भी फिट ना कर पाए तो आपने कुछ नहीं करना, गौरव को उठा के फ़ोन करना है, ये समझा देगा मकैनिक को। क्योंकि सॉरी यार, क्योंकि क्या होता है, एक मकैनिक दूसरे मकैनिक की बात जल्दी समझता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ रहने वाली है, बाकी भाई काम एक नंबर हो गया। बाइक को पैक होने दो, उसके बाद दिखाता हूँ इसको, एक बार दोबारा क्रॉस चेक करा दूंगा आपको कि भाई कैसे एंटी थीफ अलार्म काम करता है, कैसे सेल्फ स्टार्ट होती है गाड़ी बिना हैंडल खुले, ठीक है ना। फिर करेंगे वीडियो एंड। बाकी यहाँ तक वीडियो देख लिए, ज़रूर लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत मेरे लिए भी आप कर दो, सब्सक्राइब कर दो और एक बार वीडियो को ना शेयर कर दो दोस्तों में, ठीक है, थैंक यू। क्या है कि आगे कनेक्शन सारे वो जो है भाई ने कर दिए वन बाय वन और कर रहे हैं, बाकी ये वाला कपड़ा जाएगा डूम इस वाले में जो ऊपर लगी हुई ना हाई इंटेंसिटी पोजिशन लैम्प जो कंपनी ने दिया है इस बार एक्सटेक बाइक के अंदर, तो उसके कपड़ा लग चुके हैं, वायरिंग सारी ओके हो चुकी है। और बिल्कुल भी आपको वरिड नहीं होना है वायरिंग को लेकर के, भाई आपकी वायरिंग खराब होगी नहीं होगी बिल्कुल भी नहीं होगी, टेंशन मत लेना, ठीक है जी। हमारी बाइक जो है ना पहले ऐसी पैक हो चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फटाफट से पहले आपको क्रॉस चेक करा देता हूँ। ये देखो ये स्टार्ट हो चुकी है बाइक यहाँ पे मीटर से, आवाज़ सुन लो, ठीक है जी। इसको कर देते बंद, हैंडल कर देते लॉक, वैसे तो मैंने आपको दिखा दिया, ये पकड़ लो चाहे भाई, वैसे तो मैंने आपको दिखा दिया लेकिन फिर भी क्रॉस चेक कराना जरूरी है भाई। काफ़ी लोगों का डाउट होता है ना कि भाई बाइक स्टार्ट नहीं होती, मैं ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता, हमारी बाइक स्टार्ट हो रही है, एक्सटेक डिजिटल मीटर वाली है। ये देखो ये सेल्फ का बटन है, एक दो, ये बाइक स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, ये बाइक स्टार्ट हो गई, चाबी वहाँ पे आपके हाथ में देखो, ठीक है जी। बाइक यहाँ स्टार्ट हो चुकी है, हैंडल लॉक यहाँ पे हो चुका है, ठीक है, बाइक यहाँ स्टार्ट हो चुकी है। और बंद करना हो तो यहाँ पे ताला बना हुआ है, इसे लॉक कर देंगे, हमारी गाड़ी बंद हो जाती है। तो इस रिमोट चेक करा दिया, अब बारी है इस रिमोट से, तो यहाँ देखो एक ये देखो स्टार्ट हो गई। तो ऐसा कुछ रहने वाला सिस्टम, ऐसे काम करती है सेंटर लॉकिंग, इसके अंदर चाहो हाँ, तो ऐसे काम करती है, दोनों रिमोट आपके सामने है, ठीक है जी। एच जे जी का रहने वाली सेंटर लॉकिंग, 1500 रुपये की कॉस्ट रहने वाली है, ठीक है जी। और अगर आपको स्टार्ट नहीं करानी है तो कुछ पैसे कम हो जाएंगे, ठीक है ना। वो भाई कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, वहाँ जाके कॉन्टैक्ट कर लेना और दुकान पे आके लगवा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी से कर देते हैं बंद यहाँ से, ये बंद हो चुकी है। अब बात करते हैं सेंटर लॉकिंग कैसे काम करती है। ये मैंने बाइक को लॉक कर दिया, बाइक लॉक हो चुकी है। अगर आपको एक्टिविटी होती है भाई थोड़ा हैंडल लेना, ठीक है, बंद हो जाएगी अभी, ठीक है, एक बार बोलेगी। अब कुछ सेकंड बाद दोबारा एक्टिविटी कुछ होती है, दोबारा हिलाना भाई हैंडल, ठीक है, ये आपके सामने है, ठीक है। इसको कर देता हूँ अनलॉक, अनलॉक कर दिया। अब ये चीज़ मैंने इसलिए दिखाई है करके, क्योंकि एक कुछ होते हैं भाई, देखो सब्सक्राइबर भाई अपने, मतलब अच्छे लोग तो होते हैं, बुरे भी होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि मतलब कुछ ना कुछ कमी निकालनी है, कुछ भी करना है, तो वो लोग कमेंट कर देते हैं कि भैया जैसे कि दिखाता सीट पर हाथ मार के, सीट पर हाथ मैं इसलिए मरवाता था क्योंकि वहाँ पे लगा हुआ उसका डिवाइस जल्दी से बजेगा, तो वो चीज़ मैं चेक कराने के लिए। कुछ बंदे बोलते हैं भाई चोर आएगा तो सीट पे हाथ थोड़ी मारेगा, वो तो हैंडल खोल लेगा, लात मार के तोड़ देगा, ये कर देगा वो कर देगा। हल्की सी भी आपकी बाइक हिलती है ना लॉक लगाने के बाद, तो ये बजेगा बजेगा। और एक बार मैं फिर दोबारा क्रॉस चेक करा देता हूँ, समझो अभी नहीं बजेगा ना, ठीक है अभी। तो अभी क्या है, मैंने बाइक को ये कर दिया लॉक, ठीक है। अभी तो हमने हैंडल मार के, मतलब हैंडल हिला के दिखाया है भाई, जरा बाइक पे बैठना भी, जरा प्यार से बैठना, प्यार से, ये देखो जी, ठीक है। तो ये बच चुका है, ये रुक जाएगा। अब मान लो चोर आया बैठा है जो भी कुछ कर रहा है, ठीक है, उसके बाद हैंडल हिला हल्का था, ये देखो जी। तो ऐसे काम करता है एंटी थीफ अलार्म, तो आपने देख लिया किस तरीके से एंटी थीफ अलार्म जो है काम करता है। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आया तो भाई फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ उस चीज़ का, ठीक है जी। बाकी दुकान रहने वाली दिल्ली में, नंबर गौरव एक बार जरा मुँह धोवा बता दे फटाफट से यार, 8178683185, ठीक है। नंबर इन्हें मुँह जुबान बता दिया है वर्बली, और बाकी भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, स्क्रीन पे भी पॉपअप हो रहा है। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं भैया एड्रेस दे दो, एड्रेस दे दो। मैं सच में यार दिमाग खराब हो जाता है, सोचता हूँ मैं क्या रिप्लाई करूँ, कितनी बार बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया करो भाई, सारी डिटेल उसमें मिल जाएगी आपको, नंबर, गूगल मैप लोकेशन, दुकान का एड्रेस, दुकान दिल्ली में रहने वाली है। और भाई क्या बोलना चाहता है भाई, अगर उसमें चेक ना कर पाओ तो कमेंट में चेक कर लेना, हाँ एड्रेस आ जाएगा दुकान का। चलो सही है, तो ये भी अच्छी बात है, लेकिन बंदे चेक तो करें, वो वाली बात है। फिलहाल जो है इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, अच्छी लगी वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए फुल ताबड़तोड़ मेहनत कर रहा है, आपने भी मेहनत करनी, वीडियो को शेयर करके और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है जी। इसी नोट पर वीडियो को एंड कर देते हैं, अच्छी लगी वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, छोटू दिख रहा है, ठीक है जी, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।